हेलो गाइस, वेलकम टू वेब कोडिंग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो बिग डेटा इंजीनियर बनने की सीरीज में हम आज करने जा रहे हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो बेसिकली हमने जो किया पिछली प्रीवियस वीडियोस में, आपने हडूप के बारे में पढ़ा होगा, आपने बिग डेटा के बारे में पढ़ा होगा कि बिग डेटा क्या चीज़ है, और आपने बिग डेटा को स्टोर करने की बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जैसे एसक्यूएल टाइप डेटाबेस देखा होगा, देखा है ना, माई एसक्यूएल डेटाबेस जो एसक्यूएल टाइप डेटाबेस है। आपने एच डी एफ एस के बारे में तो सुना होगा, एच डी एफ एस के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। एच डी एफ एस की तरह ही अगर हमें नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करना हो, तो हमारे पास सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अगर हमें नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करना हो, तो हमारे पास जो हमने वेब डेव, जिन्होंने वेब डेव कर रखी, वो मोंगो डीबी से पहले से ही फेमिलियर होंगे। अगर आप लोगों ने वेब डेव नहीं की है, या फिर कुछ अलग से मतलब कभी नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो एंड तक बने रहिए गाइस। तो आज करेंगे हम मोंगो डीबी, आज हम करेंगे मोंगो डीबी यानी मोंगो डेटाबेस, ऑनलाइन नॉन एसक्यूएल डेटाबेस जो जो नो एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड है टोटली। हमें कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं लगानी। तो आप एंड तक बने रहिए, आप मोंगो डीबी के अंदर करंट ऑपरेशंस और इंस्टॉलेशंस सब सीख जाएंगे अपने लोकल होस्ट के ऊपर। आपको क्लस्टर्स कैसे क्रिएट करने हैं वो सब पता चल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोंगो डीबी की हमारे इंस्टॉलेशन के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे हम इंस्टॉलेशन, उसके बाद करेंगे हम क्या, उसके बाद हम क्रिएट डेटाबेस देखेंगे, क्रिएट कैसे होता है डेटाबेस मोंगो डीबी के अंदर। फिर उस डेटाबेस के अंदर से क्या करेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे अपडेशन, अपडेशन ऑफ वैल्यूज। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, रीडिंग ऑफ वैल्यूज। हालांकि ये जो है ये यहां पे भी यूज करेंगे, क्योंकि रीड करना में वैल्यूज को, और यहां पे भी करेंगे। तो ये जो बेसिकली रीडिंग यानी कर्ड ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ ना, रीडिंग, अपडेशन, क्रिएटिंग एंड लास्ट वन डिलीटिंग। सो हम डिलीटिंग ऑपरेशन को भी देखेंगे मोंगो डीबी के अंदर। तो चलिए चलते हैं हमारे मोंगो डीबी के इंस्टॉलेशन की तरफ। सबसे पहले करना हमें इंस्टॉल। तो पहला स्टेप क्या हमारा, इंस्टॉलेशन ऑफ मोंगो डीबी ऑन लोकल होस्ट। सो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं मोंगो डीबी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम। तो चलिए गाइस, हम आ चुके हैं मोंगो डीबी के ऑफिशियल वेबसाइट। डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से, जीप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, एमएसआई फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जीप फाइल डाउनलोड कर देता हूँ। अगर जीप फाइल अवेलेबल है तो चलो एमएसआई फाइल ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गाइस हमारी MSI फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, जो कि 39.8 MB की है। इसके डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। MSI फाइल है, सॉरी। सो देखते हैं क्या होता है। ओके, इंस्टॉल हो जाएगी। हाँ, तो हो गई इंस्टॉल हमारी। कहाँ पे इंस्टॉल करना है, क्या हमें हम इसका पॉथ को कॉपी कर लेंगे, ताकि हमें जब भी वेरिएबल बनाना होगा, वेरिएबल भी तो बनाना है ना, एनवायरमेंटल वेरिएबल, तो उसके लिए जरूरत पड़ सकती है। तो हम इस बात को कॉपी भी कर लिया हमने, नेक्स्ट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं हमारे मोंगो डीबी सेल को। तो इंस्टॉलेशन हो जाएगी ना मोंगो डीबी सेल की, जब तब आप लोकल होस्ट से भी अपने डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, फिनिश हो गई हमारी। चलिए देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में हमारा आ गया कि नहीं। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट चेक कर लेंगे, यदि आ गया होगा तो हमें एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मोंगोस हेल्प प्रिंट करवा लेंगे, यदि होगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं, हो भाई ये तो है, अवेलेबल है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले कमांड कौन सी होती है, इसको सबसे पहले जो कमांड दी जाती है कि हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाए, वो होती है मोंगोस। इसे क्या होता है, हमारी जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाता है, यानी पोर्ट से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये पोर्ट है, तो इससे कनेक्टेड हो गया। अब क्या करेंगे हम, अभी चलते हैं हमारे अकाउंट की तरफ। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं साइन इन, ट्राई फॉर फ्री कर लेते हैं, या फिर साइन इन कर देता हूँ। ओके, लॉग इन विद गूगल कर लें, चल लॉग इन विद गूगल कर लेते हैं। ओके ओके ओके,
यूज अनदर अकाउंट, कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हैं आप, मैं कुछ और यूज कर रहा हूँ अपना। आप कहीं को कैसे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले से ही ताकि आप। तो भाई हमने MongoDB सेल के अंदर लॉगिन कर लिया है, अभी हम कर लेते हैं एक डेटाबेस को बिल्ड। सो बिल्ड डेटाबेस पे हम क्रिएट करेंगे, ओके। सो बिल्ड डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, हम एक कौन सा करेंगे, शेयर्ड वाला फ्री में मिल रहा है तो इसको क्रिएट कर लेते हैं, फ्री वाले को यूज़ कर लेते हैं। हम NoSQL डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। अगर यदि आप बीच में से वीडियो देख रहे हैं तो हम MongoDB को आज इंस्टॉल करेंगे, उसके करंट ऑपरेशंस को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं क्लस्टर को, और ये हमारा क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना पड़ेगा, मैं दे रहा हूँ पेपकोडर, और पासवर्ड भी दे रहा हूँ, कुछ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्रिएट यूज़र कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अब यूज़र क्रिएट हो गया, अब ये यूज़र क्या कर सकता है, एडिटिंग और डिलीशन सब कर सकता है, यानी आपका प्रिविलेजेस सेट हो गए। जैसे MySQL के अंदर आपको प्रिविलेजेस सेट करनी होती थी वैसे ही। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको एक आईपी एड्रेस देना पड़ा, जिस आईपी एड्रेस को देंगे वही उसी आईपी एड्रेस से आपका जो ये शेयर्ड क्लस्टर क्रिएट हुआ है ये एक्सेस हो सकेगा। तो मैंने क्या कर दिया, अपना जो करंट का एड्रेस, करंट आईपी एड्रेस है वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको फिनिश एंड क्लोज कर दिया। तो फिनिश एंड क्लोज से क्या होगा, मेरा क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, सारा सब कुछ सही है। तो अपना क्या हो गया, क्लस्टर क्रिएट हो गया। अब क्लस्टर क्रिएट होने के बाद मुझे क्या करना है, मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, अब मुझे करना है कनेक्ट को। कनेक्ट को कैसे करूंगा मैं, एक बार देख लेते हैं, हमारे कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं पहले सब चीज को क्लियर, क्लियर हो गई सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, हम एक मंगोस को रन करेंगे ताकि हमारा क्या हो, सॉरी मंगोस को रन करेंगे ताकि हमारा कनेक्शन हो जाए, पोर्ट वगैरह डिसाइडेड हो जाए हमारे लोकल होस्ट के ऊपर। तो इसने क्या कर दिया, MongoDB कनेक्ट, ओके, एरर आ रहा कुछ, कनेक्टिंग टू, ओके ओके। सो एक बार उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्ट, अगर मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो मेरे को क्या मिल जाता है, मुझे एक कनेक्ट टू, कनेक्ट विद दी MongoDB सेल का ऑप्शन मिल जाता है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और यदि मेरे पास, मैंने फाइल डाउनलोड पहले से कर रखी है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कमांड को कॉपी करूंगा जो मेरे को कनेक्ट कर देगी इससे मेरी मोंगो सेल से। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर दूंगा, रन कर दूंगा। ओके, पासवर्ड नहीं डाला था हमने, तो एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड बोल से, तो पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है, पासवर्ड डाल देते हैं हमने जो सेट किया था, अब अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। और ये कनेक्ट हो गया हमारे डेटाबेस से, तो हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम, हमारे पास लोकल होस्ट के अंदर MongoDB इंस्टॉल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यहीं से स्टार्ट होगी मेरा नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर हम देखेंगे हमारे कर्ड ऑपरेशंस को, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट को। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस चीज का, हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस, वैल्यूज इंसर्ट, अपडेशन ऑफ वैल्यूज, रीडिंग द वैल्यूज एंड डिलीटिंग द वैल्यूज, ऑल दीज थिंग्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली नेक्स्ट वीडियो MongoDB के अंदर। आज आपने MongoDB को अपने लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करना सीख लिया, नेक्स्ट वीडियो में आप उसके ऊपर अपने MongoDB अंदर डेटाबेस क्रिएट करना, उसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना सब सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, लव फ्रॉम दी पेपकोडिंग।